नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा देश लॉकडाउन में, जहां लोग समाहित हैं वहीं लोग अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेताजी के पांडे जी इन दिनों कविता रचना कर रहे हैं। बताते चलें कि फुर्सत के क्षणों में अब नेताजी अपने घरों में कैद होकर कविता की रचना कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, लोगों को कविता भी सुना भी रहे हैं अपने घरों पर। ऐसे ही तहलका न्यूज उनसे एक इंटरव्यू लिया और किस तरह से उन्होंने कविता कहा, आप भी देखें। पूरा देश त्रस्त है, जिसको लेके काफ़ी लोगों में लोग अपने हिंदुस्तान में भी लोग अपने घरों में कैद हैं। और इन फुर्सत की क्षणों में आप क्या कैसे समय बिताते हो, क्या करते हैं आप? देखिए, यह तो बहुत भयंकर मानव त्रासदी है। ऐसे समय में सन्ने में ही और घर में रहना ही इसको दूर करने का, इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय है, और प्रधानमंत्री जी का इसमें सराहनीय कदम है। और रही बात घर में रह करके कैसे समय बिताया जाता है, क्या किया जाता है, जो लोग कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं हवाई जहाज से चलता हूँ, आज जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उन्हें राष्ट्र के लिए चिंता करनी चाहिए। और ये सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर है राष्ट्र की, उनको इसी तरह से अपना समय बिताना चाहिए। मैं तो कुछ कविता लिख करके, कुछ लोगों की सेवा करके अपना समय बिताता हूँ, और घर में बैठे मनन और चिंतन, और इस देश में आपदा जो आई है कैसे दूर हो, इसके लिए निरंतर चिंतन करता हूँ। उसी में मैंने कुछ लाइनें लिखा है जो आपको मैं एक मुक्तक के माध्यम से 4 लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ बेसिक कि आपदा ये भयंकर तबाही का है, साथ मिलकर के इससे लड़ेंगे, है समय राष्ट्रभक्ति का अनुपम मिला, हम मानवता की सेवा करेंगे, जान अपनी हथेली पे रख के, जो डॉक्टर लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, जान अपनी हथेली पे रख कर जो हमारे लिए लग गए हैं, है नमन उनको सत सत हमारा, आज भगवान से भी बड़े हैं। और अंतिम मुक्तक की लाइन है कि जो लोग पत्थर बरसाए, हमको पता चला बॉम्बे में डॉक्टरों की टीम गई थी निदान के लिए, तो उनके ऊपर है कि सिर फिरे हैं ये नादान पागल, आज पत्थर जो बरसा रहे हैं, सिर फिरे हैं ये नादान पागल, आज पत्थर जो बरसा रहे हैं। 4 लाइनें शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों या ईसाई हों, इस दौर में गर न संभलोगे तो मिट जाओगे, इस दौर में गर न संभलोगे तो मिट जाओगे, अब भी समय है, सोच समझ लो, वरना कल के भारत में कयामत का बसेरा होगा, रोते रोते मर जाओगे काली रातों में, कितना भी तड़पोगे फिर भी न सवेरा होगा, फिर भी न सवेरा होगा, इसलिए संभलने का वक्त है। तमाम और भी रचनाएं मैं लिख रहा हूँ, मैं और भी तमाम चीजें लिखा हूँ, कई गीतों को लिखा हूँ, आपके पास यदि समय है तो एक आध लाइन और भी मैं सुनाना चाहूंगा।